हेलो फ्रेंड, बहुत ही लंबे समय के बाद आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ एक नए टॉपिक पे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका द ट्यूबलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। ये टॉपिक जो है क्लास 9th के चैप्टर 2 का है, रशियन रेवोल्यूशन से। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और हमारी जो है कनेक्टिविटी बनी रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक द ट्यूबलेंट टाइम। ट्यूबलेंट टाइम जो है मतलब क्या कहता है, इसका मतलब कि उथल पुथल, या हम लोग कह सकते हैं कि उपद्रव का समय, आतंक का समय, ये समय था आपका जो है रूस में। तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से पूरी जो है एक आतंक का समय के रूप में इसे जाना जाता है और 1905 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जानने के लिए हमें जो है समझना होगा कि रूस की कंडीशन क्या थी। तो देखिए क्या है कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियंस रूलर जार वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। रशिया जो है वो एक ऑटोक्रेसी कंट्री थी अदर यूरोपियन रूलर कंट्री की अपेक्षा, कि मतलब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यूरोप के अदर कंट्री से तो वहाँ के अपेक्षा जो है रूस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑटोक्रेसी देखने को मिल रही है। रूस में जो हमें ऑटोक्रेसी देखने को मिल रही है, ऑटोक्रेसी का मतलब आप सीधा सीधी जो है आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं, पावर इन वन हैंड, गवर्नमेंट इन वन हैंड। किसी एक पर्सन के हाथ में गवर्नमेंट है, सरकार है, वही चला रहा है और वो अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहा है। तो यहाँ पे है इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जार वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कि जार जो होता था, अब जार कौन है भाई, तो जार जो है आपका ये आप लोग ये 9th का जो है रेवोल्यूशन चैप्टर जो है रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो जार के बारे में आप जान ही रहे होंगे कि रूस के राजा को जो है जार कहा जाता था। तो ये जार जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था पार्लियामेंट को लेकर के, कि वो किसी भी तरह से जो है पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता था, कोई कंसल्ट नहीं करता था और सब कुछ जो है वो अपने अकॉर्डिंग करता था। तो इससे जो है प्रॉब्लम तो नॉर्मल सी बात है कि होगी। तो इसके लिए जो है लोग क्या चाह रहे थे, तो लिबरल्स वॉन्टेड टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स दे ज्वाइंड हैंड विथ सोशल डेमोक्रेट एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है क्योंकि जो है रूस में जो है ऑटोक्रेसी थी तो वहाँ की गवर्नमेंट्स में का जो सिस्टम था उसको जो है वहाँ के लोग जो है चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट से रूलर जो है वो पार्लियामेंट से जो हमारा जो है डिस्कस करे और उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन को जो है वो ले। तो इसके लिए जो लिबरल्स थे वो क्या चाह रहे थे कि लिबरल्स जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है समाप्त करना चाहते थे कि ऑटोक्रेसी जो है गवर्नमेंट ना हो, पावर इन वन हैंड ना हो, राजा जो है वो हम लोग सभी लोगों से डिस्कस करे, उसके बाद जो है किसी नतीजे पे पहुंचे। कोई भी अगर उसे लॉ लाना है, कोई भी पॉलिसी लानी है, कोई एक्ट लाना है तो वो डिसीजन करके ले, डिस्कस करके ले, ना कि जो है वो सडनली जो है वो खुद अपने आप डिसीजन कर ले। और इसके लिए लिबरल्स ने क्या किया कि उन लोगों ने जो सोशल सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ जो है हाथ मिला लिया, तीनों जो है साथ में आ गए और तीनों साथ में आकर के डिमांड किस चीज़ का कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। वो लोग जो है डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और ये सोशल डेमोक्रेट जो है ये आपका जो है वर्कर पार्टी थी, वर्कर द्वारा जो फॉर्म किया गया था, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी ये पीजेंस के द्वारा, किसानों के द्वारा जो है ये आपका जो है बनाया गया था। और ये तीनों जो है साथ में मिलकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे थे। 1904 में जो है रूस में जो है आपका जो है रूस के वर्कर जो थे उनके लिए स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई थी। बहुत ही खराब समय हो गया था, वर्स्ट समय हो गया था रशियन के लिए, वर्कर के लिए। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो है फूड की कमी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी, आपका जो है क्लाइमेट कंडीशन जो है वो सही नहीं था। बहुत अधिक ठंड पड़ने से, बर्फ गिरने से फसल जो है पूरे तरीके से खराब हो गए थे। और नॉर्मल सी बात है कि फसल अगर खराब हो जाएगा तो फूड की कमी हो जाएगी, और जहाँ फूड की कमी होगी, अनाज की कमी होगी, वहाँ प्राइस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे है कि प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड इंक्रीज दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। यहाँ पे देखिए आपका वही बोल रहा है कि एसेंशियल गुड्स का जो प्राइस जो था वो आपका बहुत अधिक इंक्रीज हो गया था, और जिससे जो जो मजदूरी होती थी, उन लोगों की जो वेतन होते थे वर्कर के, उसमें जो है 20% की जो है कमी आ गई थी। अब कमी आने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एसेंशियल गुड्स जो थे उनके जरूरत की जो चीज़ें थी उसमें बहुत अधिक कमी हो गई। अब वो उन सारी चीज़ों को वो खरीद नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए जो है वो जो उनका वेतन था, जो उनकी जो सैलरी थी वो कम पड़ रही थी, जिसमें 20% तक की जो है कमी आई। तो ये कंडीशन जो है आपका रूस में जो है 1904 में देखने को मिला। और वो कंडीशन किस वजह से था, तो आपका अनाज की कमी के वजह से वर्कर की स्थिति खराब हो गई थी। और इसी समय एक और इंसिडेंट जो है आपका हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि वेन द फोर मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर,
which had been formed in the 1904, were dismissed at the Potilov Iron Works. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रशियन असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर, चार लोग मिलकर के बनाते हैं असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर, ये लोग जो है फॉर्म्ड करते हैं 1904 में. और यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो है पोटिलोव आयरन वर्क्स जो था वहाँ पे जो है यहाँ पे इन लोगों को जो है निकाल दिया जाता है. ये लोग जो है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के मेंबर्स थे और यहाँ से चार लोगों को जो है डिसमिस कर दिया जाता है, उनके काम से निकाल दिया जाता है. तो यहाँ जो है हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि रूस में जो है आपका डिफरेंसेस तो थे वर्कर को लेकर के, पिजन्स को लेकर के, लेकिन फिर भी जब जो है एक दूसरे के हक की बात आती थी तो वो लोग में यूनिटी आ जाती थी, वो लोग एक साथ हो जाते थे. और ये यूनिटी भी हमें देखने को मिली. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि दिस वॉज अ कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. और ये जो चार मेंबर्स जो निकाले गए थे, जो असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स के जो मेंबर्स थे, वो लोग जो निकाले गए, उन्हें जो डिसमिस किया गया था आपका, तो इसके वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्शन जो है लोग लेने लगे, स्ट्राइक करने लगे, हड़ताल पे उतर गए, अपने डिमांड करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे, डेमोस्ट्रेशन होने लगा. इससे हुआ क्या कि स्ट्राइक डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, इंक्रीज इन वगेज एंड इम्प्रूविंग इन द वर्किंग कंडीशन, कि लोग जो डिमांड स्ट्राइक कर रहे थे. तो यहाँ तो फोर मेंबर को निकाला गया था, लेकिन इस स्ट्राइक में बहुत सारे डिमांड्स आ गए क्योंकि पहले से ही वर्कर्स जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो उन लोगों ने जो है इस स्ट्राइक में, ये यूनिटी में आकर के लोगों ने जो है डिमांड किया कि हम लोग जो है अब इन सारे चीज़ों को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे वर्किंग आवर को कम किया जाए. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि रशिया में जो है जो वर्कर काम करते थे उनके जो है काम करने का जो आवर होता था वो 10 to 15 आवर होता था. तो 10 to 15 आवर जो है बहुत लॉन्ग टाइम था. तो इसके लिए जो है लोग क्या कर रहे थे, रिडक्शन मांग रहे थे कि हमारा जो है वर्किंग आवर जो है कम किया जाए, हमारा वेजेस जो है, हमारी मजदूरी है, हमारा वेतन जो है, हमारा तनख्वाह जो है उसको जो है बढ़ाया जाए और हमारे जो है कंडीशन को, वर्किंग कंडीशन को जो है इम्प्रूव किया जाए ताकि हम लोग जो है सही तरीके से काम कर सके. ये सब सारे चीज़ों की डिमांड जो है वो लोग करने लगे. और इसी बीच जो है एक और इंसिडेंट हो जाता है और वो इंसिडेंट आपका जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. वो इंसिडेंट किस नाम से जाना गया, तो वो इंसिडेंट जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना गया. ब्लडी संडे जो है 1905 में हुआ था आपका. और आखिर ये ब्लडी संडे के नाम से क्यों जाना गया, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ब्लडी संडे इसे क्यों कहा गया. तो ये देखिए क्या है कि ऑन 22 जनवरी 1905 व्हेन द प्रोसेशंस ऑफ वर्कर्स लीड बाय द फादर गैपोंस रीच्ड द विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसेस. यहाँ पे देखिए क्या है कि 22 जनवरी 1905 को एक जो है प्रोसेशन जो है फादर गैपोंस के द्वारा जो है निकाला गया. और इस प्रोसेशन में जो है समझ लीजिए कि एक पीसफुल प्रोसेशन था और ये जो है विंटर पैलेस के पास से जो है ये आपका जो है गुजर रहा था. इसके बारे में जार को जो है, जार निकोलस जो था उसे जानकारी मिलती है, तो वो जो है डर जाता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंडीशन जो है ख़राब ना हो इसके लिए वो क्या कर देता है कि अपने पुलिस को और जो है हॉर्समैन पुलिस जो थे उनको जो है वो भेज देता है सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए. और सिचुएशन कंट्रोल होने की जगह सिचुएशन और ख़राब हो जाते हैं. और इस खराब जो होता है उसमें क्या होता है कि ओवर हंड्रेड वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वॉन्डेड. यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसेशन के दौरान जो विंटर पैलेस के पास से जो है आपका जो है गुजर रहा था वहाँ पे पुलिस के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और इसमें जो है 100 वर्कर मारे जाते हैं और 300 लोग जो है वर्कर जो है वो घायल हो जाते हैं. और दिस केम टू बी नॉन एज ब्लडी संडे. ये इसी के जो है यही घटना जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना गया क्योंकि ये घटना संडे को हुई थी, इसीलिए ही इसे जो है ब्लडी संडे कहा गया, जिसे हम लोग खूनी रविवार कहते हैं हिंदी में. एंड स्टार्टेड 1905 रेवोल्यूशन. और इसी के साथ, इसी घटना के साथ जो है 1905 का रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ब्लडी संडे जो है वो कब हुआ था और इसे ब्लडी संडे क्यों कहते हैं. तो ब्लडी संडे जो है कब हुआ, तो आप क्या याद रखना है, 22 जनवरी 1905. और इस प्रोसेशन के लीडर कौन थे, तो फादर गैपोंस थे. और ये कहाँ से जो है निकल रहा था, तो विंटर पैलेस से. और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो है
100 मेंबर्स वर्कर्स जो है वो मारे गए थे और 300 वर्कर्स जो थे वो घायल हो गए थे। और ये घटना जो है संडे को हुई थी, इसीलिए जो है इसे ब्लडी संडे कहा गया है। और इसे जो है हम लोग 1905 के रेवोल्यूशन का जो है हम लोग इमीडिएट कॉजेज भी कह सकते हैं, तात्कालिक कारण कह सकते हैं कि इसी घटना के साथ जो है 1905 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो देखिए कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका था, एक प्रोसेशन जो है आपका जो है वो अब किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो है एक प्रोसेशन में जो है बहुत सारे लोग मारे गए और वो एक इंसिडेंट हो गया। और ये इंसिडेंट जो है बहुत बड़ा था, 100 वर्कर का जो है मारे जाना और 300 वर्कर का जो है घायल होना, ये बहुत बड़ी घटना थी। तो ये घटना जो है रूस में जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आपको याद रहेगा कि ये ब्लडी संडे जो है क्यों कहलाया, कब हुआ था और इसके लीडर कौन थे। तो चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं कि आगे फिर जो है क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से हम लोग ने देखा कि ब्लडी संडे की वजह से रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि अंडर वायरस पे रेवोल्यूशन जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ एंड द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। यहाँ पे क्या होता है कि जब रेवोल्यूशन जो है पूरे तरीके से जो है वो फैल गया, हर जगह जो है रेवोल्यूशन होने लगा, राजा जब देखने लगा कि अब कंडीशन जो है वो संभालने के योग्य नहीं है, वो कंडीशन अब जो है हाथ के बाहर है, तब जो है वो क्या करता है, वो अलाउ कर देता है, वो मान जाता है कि हाँ हम जो है पार्लियामेंट से जो है कंसल्ट करेंगे। और पार्लियामेंट को जो है वहाँ पे रूस में जो है ड्यूमा कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है कि रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। अब जब राजा जो है उजार जो है वो जो है पार्लियामेंट से कंसल्ट करने के लिए वो रेडी हो गया, लेकिन जिसे जो है अकेले शासन करने की आदत हो, अकेले डिसीजन लेने की आदत हो, वो उसके लिए जो है ये कहीं ना कहीं एक बंधन था। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे जो है आपके पार्टियाँ वगैरह जो है बनाई जाती हैं, जैसे ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन दिस एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। आफ्टर द कमिटीज एंड द यूनियन वर्कर्स अनऑफिशियली सीन देवर डिक्लेयर इनलीगल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस रेवोल्यूशन के दौरान जो है बहुत सारे जो है आपके यूनियंस वगैरह बनाए गए, लाइक ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री कमिटीज बनाए गए फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा, जो है मेड अप फैक्ट्री वर्कर, और जो है कमिटीज और यूनियन वर्कर्स जो है ये सब सारे जो बनाए गए थे ये सब अनऑफिशियली काम कर रहे थे। इन्हें जो है इनलीगल डिक्लेयर किया गया था, ये जो है गैरकानूनी थी, इन्हें कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिला हुआ था, लेकिन फिर भी ये गैरकानूनी होते हुए भी, इनलीगल होते हुए भी अपने काम को कर रहे थे। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए थे आपका जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर के। तो ये सब सारे चीज़ें जो है इस रेवोल्यूशन के दौरान थे, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन को जो है लोगों ने हटाने की कोशिश की, अनऑफिशियल इनलीगल होते हुए भी इन लोगों ने काम करने की कोशिश की। आपके ट्रेड यूनियंस हैं, कमिटीज़ जो है वर्कर हैं, यूनियन वर्कर हैं, सब सारे के सारे जो है काम कर रहे थे, इनलीगल ही सही बट ये काम कर रहे थे। जार जो है यहाँ पे क्या करता है कि जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर ही जो है राजा क्या करता है कि वो जो है ड्यूमा को जो है डिसमिस कर देता है, और फिर से दे री इलेक्ट सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ। ही डिड नॉट वेंट एनी क्वेश्चनिंग्स ऑफ ही इज ऑथराइज्ड अथॉरिटीज और एनी रिडक्शंस इन हीज पावर। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि राजा जो है वो क्या करता है कि 75 डेज में फर्स्ट ड्यूमा को जो है वो डिसमिस कर देता है, उसके फिर से जो है रीइलेक्ट, फिर से सेकेंड ड्यूमा जो है वो आपकी वो इलेक्ट की जाती है, और वो भी जो है आपका 3 महीना के बाद। 75 डेज जो है में फर्स्ट ड्यूमा डिसमिस हुआ, सेकेंड जो है 3 मंथ के बाद फिर से आया, और इसमें जो है क्योंकि राजा जो है वो क्या चाहता था कि उससे कोई उस पर कोई सवाल ना उठाए, उसके पावर को कोई कम ना करे, इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने क्या किया, ही चेंज द वोटिंग लॉ एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विथ द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज कीप्ड आउट। अब जो तीसरी ड्यूमा फिर से जो है, जैसे फर्स्ट ड्यूमा जो है 75 डेज, सेकेंड ड्यूमा जो है वो 3 मंथ चली थी, 3 मंथ के अंदर जो है उसे भी डिसमिस कर दिया गया था, और जो थर्ड ड्यूमा जो है आपका बना उसमें जो है राजा ने क्या कर दिया कि वोटिंग सिस्टम को ही चेंज कर दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को रखा,
और जो लिबरल्स थे, रिवोल्यूशनरीज जो थे, इनको जो है ड्यूमा से बाहर रखा ताकि कोई भी जो है उन पर सवाल ना उठा सके। और कंजर्वेटिव क्या थे, तो कंजर्वेटिव तो पहले से ही जो है ये ऑर्थोडॉक्स थे, ये जो है पुरानी चीज़ों को लेकर के चलने वाले थे। तो राजा जो है अगर पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहा तो नॉर्मल सी बात थी कि उन्हें उसे लगा कि ये लोग हमें सपोर्ट करेगा। और लिबरल्स जो थे ये तो चेंज चाहते थे, रिवोल्यूशनरीज जो थे ये भी चेंज